दोस्तों यूपीपीसीएस का कैलेंडर आने के बाद जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट है वो 17 मार्च निर्धारित हो गई है और ऐसे में अब आपके पास समय बहुत कम है, मात्र 2 महीना। तो अभी क्या है कि हमारे सामने एक प्रश्न ये उठ रहा है कि हाउ टू क्लियर द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट 17 मार्च है, तो ऐसे में हमारे सामने जो है जो प्रश्न उठ रहे हैं उन्हीं का समाधान लेकर के मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल तैयार किया है कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। जिन्होंने शुरुआत नहीं की है या जिन्होंने शुरुआत कर दी है उनको भी जो है कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है ये भी मैंने बताया है। पीवाईकीज और टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सोर्सेज क्या पढ़ता है और आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा कुछ क्या पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। और सबसे बात यह है कि हमारा अप्रोच क्या हो पढ़ने का, साथ साथ क्या है टेस्ट सीरीज लगाने का, ठीक है। तो वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको हेल्प आएगी और ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, तो आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा अपना, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसमें कि अभी हमें दिन देखना है पहले, ठीक है। तो अब देखिए आज 14 जनवरी है और मैं आपको बता रहा हूँ आज अब से जनवरी में हमें मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक। फरवरी में 28 डेज है और मार्च में जो है 15 दिन है। मोटे मोटे तौर पे जो है मेरे पास जो है अभी अगर देखा जाए तो 60 दिन है, पर इसमें से 10 दिन 5 दिन और निकाल लीजिए तो इसमें से क्या है आपके पास 55 डेज या 50 दिन आपके पास बचते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें पढ़ना है कि 50 दिनों में हमें किस प्रकार से जो है हमारा आउटपुट जो है वो बेहतरीन हो और हम एग्ज़ाम में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करके आएँ, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है सोर्सेज की, ठीक है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। अभी एग्ज़ाम के टाइम में मैक्सिमम लोग जो है कंफ्यूज इसी पे होते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक अस्पष्ट बात बता दूं, अगर आपने जो कुछ भी सोर्सेज अब तक फॉलो किया है तो कृपया उसे चेंज करने की कोशिश अब बिल्कुल मत करिएगा और अब से कोई भी नया सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोर्सेज में क्या होता है यूपीपीसीएस में जनरली जो है घटना चक्र, सम बेसिक्स बुक्स, ठीक है, बेसिक बुक्स और जो है PYQs, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो घटना चक्र अगर आपने पढ़ी है तो सबसे अच्छा, नहीं पढ़ी है तो जो भी आपने बेसिक सोर्स पढ़ा है उसको आप एक बार देख लीजिए और अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है कि घटना चक्र के क्वेश्चंस को और PYQs को जो थोड़ा सा अलग है, जो PYQs जो घटना चक्र में जो दिए हैं और साथ साथ जो कुछ अलग PYQs होते हैं जैसे UPPCS ने कुछ और भी एग्ज़ाम कराए, जैसे APS का अभी हाल ही में हुआ, RO का एग्ज़ाम्स होने वाला है और बीते कुछ दिनों में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी के जो PYQs हैं उसको लगाने का प्रयास आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज के लिए मैं आपको सीधे बता दूंगा कि सोर्सेज आपको बिल्कुल चेंज नहीं करने हैं किसी भी कंडीशन में और नया सोर्सेज तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है अब से। करंट अफेयर की बात आती है तो करंट अफेयर के लिए मार्केट में 2 मैगजीन्स आई हैं, एक तो आई है घटनासार की मैगजीन्स आई है, ये 6 महीने की मैगजीन्स इसमें दिया है, 6 महीने के करंट अफेयर्स है, प्लस जो है घटनासार के अलावा घटना चक्र की आँख वाली जो किताब आती है उसमें भी 1 साल का वार्षिकी है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, दिन में से कोई एक पढ़िए। घटनासार आपने अगर पढ़ लिया है तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि मेरे चैनल पे ही विजन आईएएस की क्लासेस मैं कराता हूँ, विजन आईएएस की मैगजीन का पूरा क्लास मैंने जून से लेकर के नवंबर तक जो मैंने करा दिया है, नवंबर मैं अभी वर्तमान में करा रहा हूँ, तो जून से लेकर के नवंबर तक की मैगजीन्स को देख सकते हैं, फास्ट पे 1.5x पे या 2x पे लगा कर स्पीड से सुन सकते हैं, आपका मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा वैसे भी थोड़ा थोड़ा। और घटनासार या घटना चक्र की आँख वाली दृष्टि में से कोई एक किताब करंट अफेयर के लिए पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है वो मैं आपको टाइम टेबल में बताऊंगा, ठीक है। तो सोर्सेज पे लिए मैंने आपको बता दिया कि सोर्सेज आपको बिल्कुल चेंज नहीं करने हैं, घटनाचक्र का प्लस लूसेंट का और बेसिक सोर्स आपने जो पढ़ा है बस वही रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर का आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे चीज़ पर। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात ये आती है कि किस प्रकार से जो है हम अपना टाइम को मैनेजमेंट करें और किस तरह से दिन को जो है हम अपने शेड्यूल्स में बांटें, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ जो है ये तैयार किया है चार्ट, ठीक है। देखिए मान लीजिए संडे है, मैं संडे से शुरू किया हूँ, मान लीजिए आपने जो है पहले सत्र में आपने पॉलिटी पढ़ा संडे के दिन का, सिर्फ संडे को बता रहा हूँ, संडे में। दूसरा सत्र में आपने यूपी स्पेशल पढ़ा, तीसरा आपने करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है, चौथा आपने PYQs लगाया और टेस्ट कैसे लगाना है आपको, अभी आप फुल लेंथ टेस्ट मत जाइएगा, एग्ज़ाम से मात्र जब 30 दिन पहले हो तो आपको क्या करना है 20 टेस्ट लगा लेने हैं लगातार फुल लेंथ के,
ठीक है। अभी आप क्या करिए, 50 टेस्ट क्वेश्चंस, टेस्ट कोई भी टेस्ट उठाइए, उसमें से 50 क्वेश्चंस उठा लीजिए और 50 टेस्ट को ऐसे रैंडम लगाइए, रैंडम लगाइए। आपको बिल्कुल ये सोचना है कि हमने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, ठीक है, उसको आप लोग इग्नोर करके रैंडम टेस्ट लगा सकते हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपने चौथे सत्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो 50 टेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको लगाने हैं, ठीक है। उसमें से आपको सॉल्यूशंस को अंडरलाइन कर लेना है या फिर उसको हाईलाइट करके रख लेना है बाद में रिवीजन के लिए, ठीक है। आपको पांचवें सत्र में सी सेट और प्लस जो आपने दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। एक पूरे दिन का जो है ये शेड्यूल हो सकता है, तो इस शेड्यूल को आप 3 दिन फॉलो कर सकते हैं। जैसे संडे को आपने पढ़ा, फिर मंडे को वही शेड्यूल फॉलो किया, फिर ट्यूसडे को किया। अब क्या करना है, वेंसडे के दिन से आपको जो है थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजिंग करनी है। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे पॉलिटी का, वो ऑलमोस्ट जो है 3 दिनों में अगर घटनाचक्र से आप जो भी सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो उसका आधा आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी चेंज कर देनी है, यूपी स्पेशल की जगह पे आप साइंस कर लेनी है, ठीक। करंट अफेयर को एज यूजुअल रहने देना है, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज के 50 क्वेश्चन है उसको भी रहने देना है, और सी सेट के भी क्वेश्चंस को और रिविजन्स को भी आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। 3 दिन इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और चौथे दिन क्या करना है आपको, चौथे दिन में आपको मिसलेनियस टॉपिक्स जो भी हैं, जैसे क्या है, जनगणना, ठीक है, जनगणना, ठीक है, नगरीकरण, इसके साथ साथ क्या है, ये ऐसे मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट की आ गई, ठीक है, मिनरल डेटा आ गया, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। और प्लस जो इतना भी आपने 6 दिनों में पढ़ाई की है उसको आपको क्या करना है, जो लास्ट सातवां दिन होगा या संडे या सैटरडे, जिस दिन भी आपका दिन आपको मतलब 6 दिन की पढ़ाई के बाद जो भी दिन बचता है उसमें क्या करना है, वीकेंड में आपको रिवाइज कर लेना है। तो रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट अगर लेकर आप चलेंगे तो पूरे सप्ताह में 4 सब्जेक्ट आपको मेजर तौर पर तैयार कर लेंगे। करंट अफेयर आपका तो तैयार हो ही जाएगा, पीवाईक्यूज़ भी लगेंगे, टेस्ट भी लगेंगे, सी सेट को भी आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे और रिवीजन भी आपका होता रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है कि चार सब्जेक्ट करंट अफेयर, पीवाईक्यू, सी सेट और टेस्ट, ये पूरे दिन का आपका शेड्यूल है। 4 वीक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और पढ़ लेना है आपको किसी भी कंडीशन में, समय नहीं है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि आपको 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना, नहीं, जितना भी पढ़ना आपको, चार सप्ताह में, यानी कि आपका जो है 1 महीने के अंतर्गत जो है आपको पूरा ये सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर जाना है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा 10 घंटे की मिनिमम स्टडीज करनी पड़ेंगी, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मिनिमम, यहाँ बात हो रही है मिनिमम की, ठीक। अब यहाँ पे मैक्सिमम कुछ भी आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए, ये आपके ऊपर है, बट मिनिमम आपकी जो स्टडी करनी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 10 साल की होनी चाहिए, 10 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है, 10 साल, सॉरी। तो इसमें क्या करना है फिर इसके बाद आपको कि 5 शेड्यूल टाइम स्लॉट को फॉलो करना है शेड्यूल में, ठीक है, 5 टाइम स्लॉट होना चाहिए। जैसे क्या है कि 3 घंटे का पहला स्लॉट हो, कैसे, 9 से 12 का, मान लीजिए आपका दिन शुरू होता है 9 बजे, तो 12 बजे तक आप क्या करिए, मेजर सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया ना पॉलिटी या ज्योग्राफी बताया था आपको, उसको मेजर सब्जेक्ट मानकर चलना है, तो 3 घंटे उसको पढ़ना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप 3 घंटे लगातार डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 घंटे मेजर सब्जेक्ट्स पर देने हैं, 2 घंटे यानी 2 घंटे, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, 12 से 1 में लंच कर लीजिए, और 2 से फिर 1 से लेकर के 3 बजे तक आपको सेकेंड सब्जेक्ट यानी 2 घंटे इसको देने हैं, 3 तो 5 घंटे की पढ़ाई हो गई। फिर इसके बाद की जो है बात आपकी रहती है कि 3 बजे के बाद अब आपके अनुसार जब भी समय मिल रहा है आप अपने अनुसार जो है टाइम टेबल को शिफ्ट करिए, कैसे, कि 1 घंटा आपको पीवाईक्यूज और टेस्ट को देना है, 1 घंटा आपको करंट अफेयर पे देना है, ये आप रात में पढ़िए चाहे दिन में पढ़िए, बट दिन वाली स्लॉट को मैंने फिक्स कर दिया है कि 9 से 12, 1 से 3, इसके बाद का जो समय है उस अपने अनुसार आपको मैनेज करना है। और इसके साथ साथ क्या है कि लास्ट का जो 1 घंटा है वो आपको सी सेट और प्लस रिवीजन, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि पूरा सिलेबस जो है और पूरा जो स्टडी है वो 10 घंटे की हो जाएगी पूरे दिन में, और बहुत फ्लेक्सिबल है ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि इस तरह से आपको क्या करना है कि पूरे जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करनी है, मिनिमम 3 टाइम इसका रिवीजन कर लेना है सिलेबस का। एक बार तो आपका 1 महीने में पूरा होगा, फिर 15 दिन आपको रखिए, फिर 15 दिन रखिए, इस तरह से 3 बार जो है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार रिवीजन हो जाएंगे, 3 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ, मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ कि अभी मैं आपको विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। विजन आईएएस की मैगजीन हमने पूरी पढ़ा दी है, तो उसमें मेंस और पीटी दोनों के लिए पढ़ाया, तो दोनों को आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको प्रीलिम्स संबंधित फैक्ट्स और कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं। साथ साथ जो है टेस्ट के
टेस्ट के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या PYQs के, उसको भी नोट्स जो है मैंने तैयार कर लिया है, और विद इन 10 डेज मैं आपको टेलीग्राम पे वहाँ पे PDF जो है यहाँ पे यहाँ से डाल दूंगा। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पे यहाँ से ज्वाइन करिएगा, यहाँ से जो है आपको या जो भी नोट्स होंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी, मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा। और टाइम टेबल जो ES वाला जो PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, और आपको यही टाइम स्लॉट लेकर चलना है, 10 घंटे की पढ़ाई, ठीक। 10 घंटे की पढ़ाई मिनिमम होनी चाहिए, ठीक। 4 सप्ताह में हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, और दिन का जो है पूरा मतलब जो भी यानी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैसे हमें इसको रखना है, ये वाला स्लॉट आप फॉलो करिए, ठीक। सोर्सेस आप बिल्कुल इसी पे स्टिक रहिए, सोर्सेस आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप पढ़िए, मात्र अभी आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको मैक्सिमम जो है हम लोग अपने अंदर उसको समाहित करें, मतलब जो उसको हम जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं, नहीं, उसको रिवाइज़ करना है बार बार। तो यही अप्रोच होना चाहिए कि रिवीजन हो, ठीक। जो भी टेस्ट लगा रहे हैं टेस्ट में हमें अच्छा जाए, क्योंकि हमें डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 1/2 घंटे PYQs की और 1/2 घंटे 50 क्वेश्चंस की, ठीक है। सोर्सेस आप बिल्कुल स्टिक रहिए। टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है, टेस्ट सीरीज को आपको बताया मैंने, जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स को हाईलाइट कर लीजिए, उसके नोट्स को हाईलाइट कर लीजिए वहाँ पे जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, या फिर उसको लिख सकते हैं, लिखने का समय तो अब है नहीं, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट करके बार बार रिवीजन करिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया और टाइम टेबल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपका ये तरीका कैसा लगा बिल्कुल आप फीडबैक दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।